इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में हुई कपड़ा दुकान की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से दुकान में चोरी हुए सामान को भी बरामद किया है। मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के गंजी कंपाउंड का है। यहां पिछले दिनों हुई चोरी की घटना के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी फिरोज, वसीम और सलीम को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी नशे के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपी सलीम पर 40 से भी अधिक चोरी के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी ने दुकान में रखे गन कपड़े चोरी कर सस्ते दामों पर बेच दिए थे। दिनांक 20/7/2020 को फरियादी मनोज चास्टा द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसके घर पर तिब्बतियों ने जो गर्म कपड़ा सामान वगैरह रखा था उसको अज्ञात चोर चोरी कर ले गए हैं। जिसकी विवेचना के दौरान लगातार तलाश की गई, पता किया गया तो मुखबिर से सूचना मिली कि फिरोज, वसीम और सलमान इन लोगों ने ये घटना की है। तो इनको उनके घर से पकड़ा गया, पकड़ के जब पूछताछ की गई तो इनने घटना स्वीकार किया और चोरी किए गए गर्म कपड़े इनके बरामद किए गए हैं। वसीम, फिरोज और जाफर ये 3 हैं। इनमें से एक सातिर नकबजन है जिसके खिलाफ तो लगभग 40-50 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। अभी तो लगभग 10,000 करीब का मसूलका होगा। फिलहाल क्षेत्र में अन्य और भी घटनाओं के मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपियों से कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, इंदौर।